खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। जिन पलों का हमें बेसब्री से इंतजार है, आज बेल ऑडिटोरियम के इस प्रांगण में ही नहीं, पूरी राजस्थान की बेटियां और वो महिलाएं जो इस योजना का लाभ जिन्हें मिलने वाला है, उत्सुक हैं, बेसब्री से इंतजार कर रही हैं माननीय के उद्बोधन का। माननीय से अनुरोध करना चाहेंगे, अपना उत्प्रेरण, अपना उद्बोधन, अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, श्री अशोक गहलोत जी। हमारे इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना समारोह में उपस्थित हमारे प्रदेश को अध्यक्ष पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद दत्तात्रेय जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी, पीएचडी मंत्री मय जोशी जी, बजरीलाली यादव साहब, पीडब्ल्यूडी मंत्री टीकाराम जूली जी, सोशल जस्टिस मंत्री भंवर सिंह भाटी जी, ऊर्जा मंत्री विधायक आदरणीय गंगा देवी जी, कृष्णा पूनिया जी, गोपाल मीणा जी, आलोक बेनीवाल जी, अमीन कागजी जी, चीफ सेक्रेटरी हमारी बहन श्रीमती उषा शर्मा, एचसीएच फाइनेंस अखिल अरोड़ा जी, डीएम जयपुर प्रकाश राजपुरी जी और हमारे एक्टिविस्ट निखिल डे साहब और तमाम उपस्थित इस इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के लाभार्थी यहाँ बैठे हुए हैं और सभी जिलों में जुड़े हुए हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, प्रदेशवासियों और लाभार्थी, मुझे बहुत खुशी है कि आज जो घोषणा मैंने की थी बजट के अंदर, वो आज मूर्त रूप लेने जा रही है। यही हमारी सरकार की बहुत बड़ी खूबी है, जो वादे हम करते हैं वो निभाते भी हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि अभी तक 50 प्रण वादे पूरे हो चुके हैं, सितंबर तक पूरे 70 प्रण वादे पूरे हो जाएंगे, दिसंबर तक 90 प्रण के आसपास वादे पूरे हो जाएंगे। ये भी रिकॉर्ड होता है, इसलिए जो वादे हम कर रहे हैं, पहली बार जनता के आवाज आ रही है, खाली वादे किए नहीं आपने, धरातल पे भी वादे पूरे हो रहे हैं। कई सड़कें बन रही है, कॉलेज खुल रही है, पीएससी सीएससी जिला अस्पताल खुल रहे हैं, स्कूल, चाहे वो इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गांधी जी के नाम से, चाहे प्राइमरी को मिडिल किया हो, मिडिल को सीधा हमने सीधे सेकेंडरी स्कूल में आ रहे हैं, 500 लड़के जहाँ मिलती है कॉलेज खोल देते हैं, सड़कें बन रही, 1,48,000 किलोमीटर सड़कें बन रही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो वादे किए हैं निभाए। ये आज का जो प्रोग्राम है, इसका लंबे समय इंतजार था। 1,35,00,000 हमारी बहनों को, माताओं को, बच्चियों को जिन योजना में जुड़े हुए हैं, उन सबको मोबाइल फोन मिलेंगे। हमारी मजबूरी थी कि एक बार अंतर्राष्ट्रीय कोरोना के आने के बाद में एक चिप होती है, चिप जिससे मोबाइल फोन चलता है, सिम नहीं, सिम अलग है, चिप होती है, उससे आजकल कारें चलती है ऑटोमेटिक, चिप होती है, उसके आधार पर ही मोबाइल फोन चलते हैं, कंप्यूटर चलते हैं, और चिप का कैशियर हो गया पूरी दुनिया के मुल्कों के अंदर। उसके कारण से मोबाइल फोन बनना बंद हो गए, कारें बिकनी बंद हो गई, कारें पड़ी रही कारखानों के अंदर सैकड़ों हजारों, बनती बनती बिना चिप के बाहर आ नहीं सकती थी। उस कैशियर के शिकार हम भी हो गए और इसमें देरी हो गई मोबाइल फोन देने के अंदर। तो मुझे खुशी है कि आज हम लोग 6,800 रुपये प्रति मोबाइल इंक्लूडिंग उसका 20 GB का डाटा भी डाल दें उसके अंदर। और आज जो आप लोग पधारे हैं, हमारी बहनें
उन तमाम बैलों के हाथों मोबाइल आ चुका है। आप हाथ खड़े करके बताइए मोबाइल आ गया कि आपके हाथों में, बताइए। आप खुश हैं? सब बहुत खुश हैं, बहुत बढ़िया। तो ये जो प्रोग्राम चला है 40 लाख महिलाओं को, अभी मैंने बजट में कहा है चरणबद्ध रूप से दे पाएंगे, क्योंकि चुनाव भी आ रहा है, आचार संहिता लागू हो जाएगी, उसके बाद हम दे नहीं पाएंगे। तो 40 लाख जहां विधवाएं हैं, निस्सहायजन है परिवार में, बच्चियां पढ़ती है परिवार में, उन परिवारों को पहले हमने सेलेक्ट किया है। इस रूप में हम चाहेंगे कि हर परिवार में मोबाइल फोन पहुंचे, ये भी महिलाओं के सशक्तिकरण का बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। आधुनिक 21st सेंचुरी चल रही है, जो राजीव गांधी जी ने कहा था। जब राजीव गांधी सेंट पीटर्सबर्ग को लेकर आए थे देश के अंदर और मिशन बनाया था आईटी का, मैं भी उनके मंत्री था केंद्र में, हम भी नहीं समझ पा रहे थे कि राजीव गांधी जी 21st सेंचुरी की बात कर रहे हैं, पर उस पर होगा क्या? कंप्यूटर आ रहे हैं, तुम्हारे विपक्ष के लोग कहते थे कंप्यूटर आएंगे उसके बाद में तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी, टाइपिस्ट कहाँ जाएंगे? एक बड़े नेता तो बैलगाड़ी लेके आ गए पार्लियामेंट के अंदर बताने के लिए कि देखिए इस सरकार का दिमाग खराब हुआ है राजीव गांधी जी का, ये कंप्यूटर ला रहे देश के अंदर, उसके बाद में तो लाखों की तादाद में जो LDC होते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, टाइपिस्ट होते हैं, वो कहाँ जाएंगे, नौकरी कैसे लगेगी? LDC यूथ नहीं पड़ेगी। राह देखिए आप, धूप भी पड़ती है, कंप्यूटर आ गए हैं, कंप्यूटर की क्रांति हो गई है, IT क्रांति हो गई है, और मुझे कहते हो घर है। पहली बार मुख्यमंत्री बना मैं 24 साल पहले, तब हमने यहाँ जो भवन है अपना पुलिस कमिश्नरेट का, ये भवन पहले क्या कहलाता था, इस भवन के अंदर गवर्नमेंट हॉस्टल के अंदर पहला मैंने लोक मित्र के नाम से एक जो ई मित्र है उसकी मैंने शुरुआत करी थी, एक से, और 80,000 ई मित्र चल रहे हैं गांव गांव में, और 600 तरह की सेवाएं दे रहे हैं पब्लिक को, 600 तरह की, जमीनों के नामांतरण की दे रहे हैं, म्यूटेशन की दे रहे हैं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, सब तरह की विभिन्न तरह की सेवाएं मिल रही है। ये क्रांति है जो राजीव गांधी का सपना था, उसकी क्रांति है ये। महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात करें और आपको जानकर खुशी होगी, IT में हम देश में नंबर 1 हैं, पूरे मुल्क में IT में नंबर 1 है, कितनी बड़ी बात है, क्योंकि हमने बराबर ध्यान रखा। पहले मैंने लोक में तो खोला, दूसरी बार मुख्यमंत्री बना तो हमने 3% बजट मैंने रखा हर विभाग का IT के लिए रखा, 3% बजट बहुत बड़ा होता था उस वक्त में, पर हर डिपार्टमेंट के अधिकारियों की हैबिट पड़ी IT तक बढ़ने की, उस परिणाम है यहाँ भामाशाह हब बन गया पिछली गवर्नमेंट वक्त में, या IT के हमारे उत्सव सेक्रेटरी अखिल अरोड़ा भी थे, शानदार डाटा सेंटर बन गया वहाँ पर, पूरे देश में इतना बड़ा डाटा सेंटर और भामाशाह हब ट्रेनिंग दे रहे बच्चों को, कहीं नहीं है देश के अंदर, वो भी बना। हमने 3% रखा लोक मित्र की स्थापना की, उसका परिणाम था फिर भी सरकार को भी आगे बढ़ना पड़ा, और अब हम इतने आगे बढ़ गए हैं, अधिकार गवर्नेंस हमारी IT बेस हो रही है। ये जो मोबाइल फोन मिला आपको बच्चों, आज के तो छोटे बच्चे 3-4 साल के गर्म बच्चे जो है 4-5 साल के, वो भी मोबाइल के बगैर तो रोने लग जाते हैं, माँ बाप से छीन देते हैं मोबाइल, और दूसरा सीख लेता है चलाना उसको, गूगल भी और उसमें जो जो गेम्स भी होते हैं, डांस भी होते हैं, सब कुछ होता है, बच्चे भी बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो ये पूरी क्रांति हो रही है देश के अंदर, नॉलेज इज पावर, जिसके बाद ज्ञान है वो पावरफुल है। इस थीम के साथ में आज मोबाइल फोन जो मिल रहे हैं हर परिवार के अंदर, स्मार्टफोन है, आपको स्मार्टफोन है,
20 GB का डाटा इसके अंदर होगा और 3 साल तक सरकार उसको डाटा को भरवाती रहेगी, रिचार्ज करती जाएगी। ऐसी स्कीम हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होगी जहां पर स्मार्टफोन 1,35,00,000 स्मार्टफोन अब बांट रहे पब्लिक को। अधिकांश पब्लिक के हाथ में मोबाइल फोन होंगे। अभी देखा आपने, फिल्म देखी आपने, गांव की महिला भी खेत में काम करती है, फोन आता पति का, कहती भाई अभी तो और टाइम लगे, तुम अपना काम करो, मैं घर पे आ जाऊंगा, अपना आप आ जाऊंगा। पूरी क्रांति हो गई है। और मैंने अनुभव किया है, वैसे मैंने तय किया है कि इतनी लंबी लिस्ट मेरे पास में महिलाओं के, अनाथ बच्चों के लिए, कोरोना के अंदर बद्रीनाथ केदारनाथ बच्चे जब तूफान में लोग मर गए थे उनके ऑर्फन बच्चे, तमाम की नौकरी लगाने का मैं तय किया था। शादियों में, सामूहिक शादियों में इमदाद कर रहे हैं हम लोग, स्कॉलरशिप दे रहे बच्चों को, स्कूटी दे रहे 30,000 बच्चों को, अनुपति योजना में ला रहे हैं, कल ही मैंने घोषणा करी है 50,000 बच्चे भी हॉस्टल में रहते हैं राजस्थान के अंदर, 35,000 तो है लड़के, 15,000 लड़कियाँ हैं। गांव और ढाणी से जो बच्चे आते हैं हॉस्टल में रहने के लिए शहरों में, रात दिन का एक्सपोजर रहता है उनका, एक्सपोजर रहता है, एक्सपोजर रहता है उनका, क्योंकि और समाज के बच्चे होते हैं, बच्चों से मिलते हैं और माहौल देखते देश दुनिया में क्या हो रहा है। मैंने तय किया वो संख्या जो है लड़कियों की 15,000 से बढ़ाई जाएगी 30,000 और 35,000 बच्चे हैं उनकी संख्या बढ़ाएगी 70,000, मतलब अब 50,000 के बजाय 1,00,000 छात्र छात्राएं हॉस्टल में रहेगी आने वाले वक्त के अंदर 1,00,000। वो बच्चे कौन होंगे? वो बच्चे होंगे SC के, ST के, OBC के, EBC के, पूरे राजस्थान गांव के ढाणियों के बच्चे होंगे। मैंने अनुभव किया सीकर में भी, अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं और उदयपुर के अंदर इंटरेस्टिंग के मैंने बच्चियों से, मैंने पास बैठा बच्ची को, क्या उनका जो तरीका था बात करने का, कॉन्फिडेंस था, ज्ञान था, वो क्या, मेरे माँ बाप तो डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर गाँव में रहते हैं, वो तो कल्पना करते नहीं थे कि मैं बच्ची को भेज पाऊंगा। ये तो बदलाव होता है, पर्सनैलिटी का बदलाव आता है लड़कियों की। और फैसले इतिहास बनाते हैं फैसले। राजीव गांधी ने फैसला किया संविधान में, संविधान संशोधन किया 73-74 माह, वो क्रांति थी महिलाओं के लिए। आप कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए, इस देश का सौभाग्य है जहाँ पर महिलाओं का महत्व है, जो राजीव गांधी ने आरक्षण दिया महिलाओं को। कौन गांव में सरपंच बनती थी? गांव में सरपंच नहीं बनाते थे गांव, प्रधान प्रमुख की बात छोड़ो। अब जो है आप सोचिएगा, अब जो है क्रांति ऐसी हुई है कि प्रधान प्रमुख, मेयर, नगर पार्षद आरक्षण हो गए, दलितों का भी, पिछड़ों का भी, ट्राइबल का भी और महिलाओं का भी। एक पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट ने उस पर लिखा आर्टिकल, जब राजीव गांधी ने फैसला किया कि राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री देश का है, दूरदृष्टि उसकी है कि 50% भागीदारी होती है महिलाओं की देश में, उनको 70% भागीदारी दे रहे हैं वो, जिससे कि देश दुगनी गति से आगे बढ़ेगा देश, और वही हो रहा है देश के अंदर। आज चीफ सेक्रेटरी हमारे पास उषा शर्मा जी महिला है, और मैं वो व्यक्ति हूँ जो पिछली बार CM बना तभी पहला आजादी के बाद में किसी महिला को, कुशल सिंह नाम था उनका, उनको मैंने बनाया चीफ सेक्रेटरी, पहली महिला थी चीफ सेक्रेटरी आजादी के बाद में, दूसरी महिला बनी है उषा जी। पर जो मैं कहना चाहता था आपको, जो 74-75 अमेंडमेंट हुआ उसके बाद में महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ देश के अंदर, पदों में आगे बैठने लगी महिलाएं, सरपंच, प्रधान, प्रमुख के पति आगे बैठते, पास में पहले पहले बैठते थे, घूंघट में महिला बैठती थी, धीरे धीरे घूंघट ऊपर आ गया अपना आप ही, और पतिदेव कहने लगे आप घर पधारो, मैं अपना भी काम कर लूंगी।
ये है सशक्ति करने महिलाओं का। ये मोबाइल जो दिया गया है ये कोई खाली कुछ करने नहीं दिया गया आप लोगों को। कुछ लोग हमारे प्रधानमंत्री जी और के नेता बोलते हैं रेवड़ी बढ़ रही है, रेवड़ी है ये महिलाओं की बेइज्जती करे वो लोग। ये महिलाओं का सशक्तिकरण है, एम्पावरमेंट, इस रूप में देखना चाहिए हम लोग। हमारी जो भी योजना है, महंगाई रात है, भयंकर महंगाई, थोड़ी राहत मिली लोगों को। जो काम हमने हाथ में लिया है वो प्रदेश के हित में लिया है। अब 2030 का विजन दे रहे हैं हम लोग, 30 से कम राजस्थान के आप सबको मैं जो सुन रहे हैं ये प्रोग्राम चलता है तो ओपन वीसी होती है। प्रदेश कोई नागरिक अपने मोबाइल फोन पर भी ये मीटिंग सुन सकता है, सुन रहे होंगे लाखों लोग। मैं कहना चाहूँगा 2030 विजन होना चाहिए हमारा प्रदेश का। उस वक्त मुख्यमंत्री कौन रहेगा मैं नहीं जानता, अभी तो 7 साल बाकी है, पर कम से कम पूरे प्रदेशवासियों को महसूस एहसास होना चाहिए। सुझाव दें वो लोग, देश के जो अग्रिम राज्य है, अगर हम नंबर वन नहीं बन पाए देश में, क्यों हमारी भौगोलिक स्थिति अलग है, रेगिस्तान के इलाके हैं, आकाश होके पढ़ते रहते थे पहले, अब तो मार कम पड़ गए, नरेगा आया है, सोनिया गांधी जी ने और मनमोहन सिंह जी ने लागू किया है, फूड सिक्योरिटी एक्ट किया, RTI की और एजुकेशन के अधिकार दे दिया। पर ये मैं कहना चाहूँगा ये जो क्रांति हुई है उसके कारण से आज महिलाओं को सशक्तिकरण करने की आवश्यकता पड़ गई है। इसलिए मैंने कहा आपको कि किस प्रकार से LPG में हमने देखा 500 रुपये देते हैं उनको, उज्ज्वला योजना उनकी है। ये महिलाएं आज तकलीफ आती गांव गांव में, धुआं, पर्यावरण प्रदूषण, हर काम हमने सोच समझ के किया है। 2030 का जो मैं विजन की बात कर रहा था, मैं प्रदेशवासियों आह्वान करना चाहूँगा जल्दी हम इनको लॉन्च करेंगे। पूरे साहित्यकार, पत्रकार, लेखक, इंटेलेक्चुअल, एडवोकेट, डॉक्टर, शिक्षक, सबको चाहेंगे अपना विजन दे वो, और उसको विजन को आगे रखेंगे जिससे कि 30 तक कम से कम राजस्थान भी अगर नंबर वन नहीं बने पाए कोई कारणों से, भौगोलिक स्थिति से कम जो देश के जो अग्रिम राज्य है 4-5 उनकी श्रेणी हम भी पहुंच जाएं, ये हमारा सपना होना चाहिए प्रदेशवासियों के। ये मैं कहना चाहता हूं आपको। इतने मैंने कहा आपको, हमारा सौभाग्य है कि राजस्थान जो है, देखिए आप आज़ादी होते ही महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, मौलाना आजाद ने, डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान ने, जिस दिन आज़ादी मिली उसी दिन दलितों को, पिछड़ों को तो मिला ही वोट का अधिकार, तो महिलाओं को वोट का अधिकार मिला, इतिहास में दर्द हो गया है। क्योंकि मैं कहना चाहूँगा, शायद आपकी जानकारी नहीं हो, अमेरिका के अंदर जो है संविधान बनने के 144 साल के बाद महिलाओं को अधिकार मिला वोट देने का, कल्पना कीजिए आप। आज वो दुनिया की बहुत बड़ी ताकत है, 144 ईयर्स लगे वहां पर महिलाओं को वोट का अधिकार देने का। इंग्लैंड जो दुनिया में सूर्य नहीं डूबता था उसका, अंग्रेज ने गुलाम बना रखा था हिंदुस्तान को भी, वहां पे भी 100 वर्ष लगे महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने का। और हमारी सूर्योदय के नेताओं की जिन्होंने संविधान लागू होने के दिन से ही महिला को वोट का अधिकार दिया, महिला को मतदान का अधिकार दिया, वो है हिंदुस्तान। इतने मैं कहना चाहूँगा, मैंने कहा तय किया है क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, इसलिए मैं इतने कहूँगा आपको, 6,800 रुपये प्रति टेलीफोन की DPT होगी आपके पास में। आप जब कैंपों में गए हैं जाएंगे तो खाली जेब जाएंगे आप, 1 रुपया लगाने की जरूरत नहीं आप। चाय पानी की निलामी CS ने कर दिया, वहाँ पर अकेले ने कर दिया है। जो जाएंगे हमारे मोबाइल फोन लेने के लिए उनको बकायदा वहाँ एक बनाया गया है वहाँ पर रूम, जहाँ बैठेंगे, फिल्म देखेंगे, कैसे मोबाइल चालू करना है, और चाय वाय का मतलब समझ गए आप, चाय के अलावा बिस्किट भी होंगे वहाँ पर। इस प्रकार से जो है चाय वाय भी होगी वहाँ पर, और कोई MLA होशियार होगा, चालाक होगा तो नाश्ते का प्रबंधन भी करेगा खुश करने के लिए लोगों को।
ये डिपेंड करता है एमएलए साहबान किस प्रकार से अपनी वहां पर भूमिका अदा करते हैं, उस पर निर्भर करेगा। तो कहने का मतलब कि हम सम्मान इन्विटेशन बुलाएंगे, कैंपों में भीड़ नहीं पड़ेगी, जिसके घर पे ऐसे में जाएगा जाने के लिए वो जाएंगे वहां पर, 250 महिलाएं आराम से, वो मोबाइल फोन लेगी, टाइम लगता लेने में, पूरी फॉर्मिटी के अंदर बैठेंगी, चाय पिएंगी, फिल्म देखेंगी, सीखेंगी वहां पर। और जो किताब निकाली अभी नाम है उसका शक्ति, ये देखिए आप, ये बड़े क्रांतिकारी काम किया है डिपार्टमेंट ने। मैं अग्रोड़ा को, इनकी तमाम टीम को बधाई देना चाहूंगा। सीखो डिजिटल सिखाओ डिजिटल और नीचे लिखा डिजिटल सखी हैंडबुक, ये बहुत बड़े ग्राफिक बने हुए इसके अंदर सीखने के लिए। तभी मेरा मानना है कि कई बार हम लोग, मैं भी नहीं सीख पाता ग्राफिक से, मैंने शेष को कहा है आप इसके साथ में उनकी ट्रेनिंग भी करवाने का काम करें, जैसे कि और ज्यादा तरीके से सीख सके, मोबाइल का पूरा उपयोग सीख सके वो, क्योंकि उपयोग सीखना बहुत बड़ी बात है। अनेकों तरह के इसमें उपयोग होते हैं, कोई भी मोबाइल फोन 10% भी यूज नहीं कर सकता उसका, मुश्किल 10% करता होगा। मैं भी 2-4% करता हूँ, मैं तो पुराने गाने सुनता रहता हूँ, या देखिए जानते हैं, खाली पुराने गाने सुनता हूँ, वो मुझे वो क्या यूट्यूब है, क्या है यूट्यूब के माध्यम से निकालना आता मुझे, 2-4 एक्टिविटी और कर लेता हूँ, पर खाली फोन की कर दिया, ऐसा मैंने फिर दिया, देख लेते ही आता मुझे, पर इतना हजारों तरह के उपयोग है इसके अंदर। ये ऐसा क्रांति है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, और महिलाएं तो आजकल इतनी होशियार हो गई है। अभी मैं गया वहाँ बाड़मेर के अंदर, एक मुझे महिला मिली 2 जून को बाड़मेर में, सुशील देवी नाम था, 10वीं पास थी वो, उसको सरकार की सब योजना की जानकारी थी। ये आपको मोबाइल फोन क्यों दिया गया है, इतने दिया गया है आप मोबाइल फोन के माध्यम से और तो काम करें ही करें, पर साथ में जो सरकारी योजना है उनकी जानकारी तमाम मोबाइल फोन में आएगी, आ सकती है, इंटरनेट पे आप देख सकते हैं, गूगल्स कर सकते हैं, और वो आप गांव में गरीबों का भला कर सकते हो, सोशल वर्कर इधर काम कर सकते हो, घर घर समझा सकते हो, ये सरकारी योजना शिक्षा की है, स्कॉलरशिप की है, महिलाओं की है, सब योजनाएं सरकार की जो होती है सैकड़ों, तमाम की जानकारी आप मोबाइल पे निकाल करके किसी गरीब का भला कर सकती हो, परिवार का भला कर सकती हो। ये सोशल वर्कर भी कितने भी आपको काम करना, जो मोबाइल फोन ले रही है उनके आह्वान करना चाहूंगा, ये मोबाइल फोन देने पर थीम क्या मेरी वो मैं बताना चाहता हूँ आपको। ऐसे नहीं कोई 6,000 रुपये का मोबाइल फोन दे दिया आपको, 6,800 रुपये का, देने के पीछे थीम ये है आप एक्सपर्ट बन जाए मोबाइल की, आईटी की, आईटी पे आप गवर्नेंस में सीख जाएं, और साथ में आप गरीबों की सेवा कर सकें, गांव वालों की सेवा कर सकें, और अपने नॉलेज लेकर के प्राप्त करके आप उनको बांट सके नॉलेज को, ये इसका। तो उसने देखा मैंने उस महिला को, मैंने कहा कि सुशीला जी आप ये, आपको कैसे पता पड़ा सब योजना के बारे में, कहता मैं फेसबुक देखती हूँ, मैं कहा फेसबुक देखती हो, मैं कहा ट्विटर के, ट्विटर भी देखती हूँ, तो मैंने कहा इंस्टाग्राम के वो भी देखती हूँ, अरे मैं कहा कमाल कर रही हो आप, तो कह नहीं मैं शुरू से ही इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक पर मैं उपयोग करती हूँ 10वीं बार से। वो कहने का मतलब ये है क्रांति, कितनी सेवा वो कर रही होगी गांव के अंदर आप सोच सकते हो। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कहने को सब बातें हैं, अब आरक्षण दे दिया पंचायतों में, सोनिया गांधी जी लगी हुई है, विधायक और एमपी बने 33% बने, विधायक और एमएलए एमपी बने 33%, लोकसभा में प्रस्ताव पास हो गया, अटक गया राज्यसभा के अंदर, आज ही तो कल हो सकता पास हो जाए, हो सकता जो आज हम बैठे ऊपर, ये मई जोशी है और अमित काग जी सब बैठे हैं अध्यक्ष जी, हमारी खुद की सीट अगर हो गई महिलाओं के लिए आरक्षण, तो फिर हमें भी घर बैठना पड़ेगा।
लालचंद बैठे हैं, लालचंद जी खुद ही लालचंद है वो तो कहने का मतलब है गोपाल मीणा बैठा हुआ है, आलोक बेनीवाल बैठा हुआ है, भजन लाली बैठे हुए हैं, ममता भूपेश बैठी हुई है, गंगा देवी तो है ही है, कृष्णा पुण्य जी और कुछ है छूट गया, भंवर सिंह भाटी जी बैठे हुए हैं, जूली जी तो है ही है। कहने मतलब भाई किसकी सीट हो जाए आरक्षण में आ जाए कि महिलाओं को पता नहीं। अब ये चलिए मोदी जी को, क्योंकि सोनिया गांधी जी ने उठाया मुद्दा तो मोदी जी कैसे पूरा करेंगे सोच सकते हैं आप लोग, वो अलग बात है, वो अलग अलग मंच पे करेंगे। इसलिए मैं आज कहना चाहूँगा जो स्कीमें हैं उस पर मैं बहुत टाइम नहीं लगाना चाहता आपका, खाली मैं आपको ये कहना चाहूँगा मेरे फेसबुक पर आज मैं सबको डालूंगा स्कीमों को फेसबुक पर और ट्विटर पर, हालांकि कई बार छोटे मोटे डाले होंगे हम लोगों ने, एक साथ डालेंगे। आप कृपा करके मोबाइल फोन ले आ रही हो स्कीमों देखो कितनी शानदार स्कीमें हर विभाग की बनी हुई है, महिलाओं के लिए कह रहा हूँ खाली, बाकी तो छोड़िए लंबी दास्तान हो जाएगी। ये सब हम करना चाहते हैं। इस रूप में मैं समझता हूँ कि विजन 2030 जो है एक सपना देखो डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद की तरह, APJ अब्दुल कलाम जब कहा था हर बच्चे को भी सपना देखना सीखना चाहिए जिससे सपना पूरा करने के लिए वो आगे बढ़ सके, वही बात मैं कहना चाहूँगा आपको। सपना देखो 2030 का, अनुभव बताओ, सोच बताओ, तो मैं समझता हूँ कि हम सब मिलके, कोई मेरे कहने से कोई 2030 के नंबर वन नहीं बनने वाला राजस्थान, मेरे कहने से नहीं बनने वाला किले के, सारे प्रदेशवासी जैसे मैंने कहा तमाम तरह के वर्गों के लोग सबकी सोच होगी एक सी, सब अपना कर्तव्य का निर्वहन भी करेंगे साथ में। जैसे प्रेम बल में लिखा हुआ है अगर अधिकार मिला है हर नागरिक को तो उनके कर्तव्य भी है देश के प्रति, वो जब हम पूरा करेंगे तब जाकर के राजस्थान भी, मुझे पूरा विश्वास है आज जो हमने शिक्षा के क्षेत्र में सारी प्रीमियर संस्थाएं आगे राजस्थान के अंदर IIT IIM IIIT नेशनल यूनिवर्सिटी लॉ आयुर्वेद यूनिवर्सिटी निफ्ट तमाम योजना कृषि भी यूनिवर्सिटी आ गई दो दो तीन तीन सब कुछ हमने किया शिक्षा के अंदर, राइट टू हेल्थ एक्ट लेके आगे 25 लाख का बीमा कर दिया हिंदुस्तान में दुनिया में कहीं नहीं है, राइट टू मिनिमम इनकम कर दिया हम लोगों ने, अगर पेंशन मिल रही है करोड़ लोगों को ऑटोमेटिकली 15 मिनट बढ़ती जाएगी उनको अधिकार दे दिया हम लोगों ने, क्या क्या नहीं किया हम लोगों ने, सही रोजगार नरेगा 100 का 125 दिन कर दिया। ये जो फैसले किए हमने इसका लाभ के लिए मोबाइल फोन का उपयोग कीजिए आप लोग, और मोबाइल फोन में पहले जुड़ा जाती है सीखने में, पर धीरे धीरे सीख जाओगे फिर आपको इतना आराम होगा आप सोच नहीं सकते हो, आपके गुड गवर्नेंस के लिए भी आपकी प्रशासनिक क्षमता बढ़ जाएगी, मैं समझता हूँ आपके व्यक्तित्व में आपके कर्तित्व में निखार आएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहूँगा कि आज आप पधारे हो, सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ और आपको मैं अपील करूँगा कि आप लोग ये योजना जो शुरू हुई है इसका लाभ पूरा उठाएं और जन कल्याण की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुँचाने में भागीदारी निभाएं। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। 15 अगस्त को हमारी योजना प्रारंभ हो रही है अन्नपूर्णा योजना महंगाई के दौर के अंदर 1 करोड़ से अधिक लोगों को अन्नपूर्णा किट दिए जाएंगे राशन की दुकानों से, महंगाई की मार कम हो सके उनके ऊपर भी। इस प्रकार से हमने तय किया है कि आज जो सोच रख रहे हैं 2030 की, महंगाई है, बेरोजगारी है, हम चाहते देश में भाईचारा रहे हर जाति हर वर्ग हर धर्म के बीच में, तब जाके शांति रहेगी तो विकास होगा, परिवार में झगड़े होते हैं तो विकास रुक जाता है, गांव में झगड़े होते हैं गांव का विकास रुक जाता है, ये बात लागू होती है प्रदेश के लिए देश के लिए। इतने बार बार राहुल गांधी की यात्रा तो थी ना भारत जोड़ो यात्रा, महंगाई बेरोजगारी प्यार मोहब्बत
भाईचारा सद्भावना हिंसा कहीं नहीं हो और गरीब अमीर के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। गरीब रह रहा है, अमीर के पास में धन दौलत अथा भंडार बड़े बड़े रहते हैं, बढ़ते जा रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि चारों मुद्दों को लेके मैंने बजट पेश किया है, कोई मामूली बात नहीं है। और इसलिए हमने आप देखा होगा जो मैंने दिए राहत शिविर दिए महंगाई का, महंगे रात दिए, नौकरी लगा रहे 3 लाख नौकरी लगा रहे राजस्थान में, बेरोजगारी की बात उन्होंने करी, अहिंसा की बात करी। तो मैंने यहाँ आपको मालूम होना चाहिए राजस्थान एकमात्र राज्य देश के अंदर जो शांति व अहिंसा का विभाग खोल दिया हमने, जो गांधी जी की सूरत थी खोलने दिया। मनीष शर्मा जो उनका डायरेक्टर है वो, और मेरे ठकराल जो सेक्रेटरी है, और मेरे कुमार प्रसाद जो गांधी बीज भवन के चेयरमैन है, गांधी का म्यूजियम बन रहा जो अपूर्ण शानदार, देश का नंबर 1 बनेगा वो, अगले महीने उद्घाटन होगा उसका। और पूरे ब्लॉकों के अंदर भी सत्य लेके अहिंसा को लेके ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, बच्चों के नौजवानों के लाखों की तादाद में बच्चे तैयार हो रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। आने वाले वक्त में उम्मीद करता हूँ 2 अक्टूबर को हम चाहेंगे एक बड़ी रैली करें अहिंसक क्रांति की, अहिंसक क्रांति हो। संकल्प लोग लेंगे हम अहिंसा में विश्वास करते हैं गांधी जी की, हम प्रेम भाईचारा मोहब्बत सद्भावना रखेंगे सब समाज के अंदर और गांधी के सदैव को फैलाएंगे घर घर तक। मैं समझता हूँ आज के दिन पूरे देश के अंदर गुजरात तो पीछे चला गया है, खाली नाम गांधी का रह गया, हम आप जहाँ रहने वाले थे गांधी जी। हिंसा वहाँ होती है जो देख लिया, अभी हिंसा को 2002 के अंदर क्या हुआ, वहाँ पर शराबबंदी नाम की, वहाँ पर सबसे ज्यादा शराब पी जाती थी, गुजरात में भी पी जाती है। तो ये समाज की स्थिति बनती जा रही है मुल्क के अंदर, मणिपुर चल रहा है, परवाह नहीं भारत सरकार को, क्या हो रहा देश के अंदर। एक राज्य का जलना 3 महीने ज्यादा समय हो गया है, पार्लियामेंट चल नहीं पा रही है, सब कुछ हो रहा है देश के अंदर। उस माहौल को ठीक करने की जिम्मेवारी हर भारतवासी की है, उसके मन में संकल्प होगा मैं सत्य के रास्ते पर चलूं, अहिंसा को अपनाऊं, प्रेम मोहब्बत भाईचारे संदेश दूं समाज को। ये भावना जो हमारी है गांधी वाली, आज उसकी रेलेवेंस ज्यादा है, तब जाकर के मैं समझता हूँ देश एक रहेगा, अखंड रहेगा, मजबूत बनेगा। जिसके लिए इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी, पर खालिस्तान नहीं बनने दिया, लोग समझ नहीं पाते, नई पीढ़ी को मालूम ही नहीं है, नई पीढ़ी को मालूम ही नहीं है कि इंदिरा गांधी जान कैसे ली गई, सीना छलनी कर दिया उन्होंने, उनका सीना छलनी हो गया, खालिस्तान नहीं बनने दिया। कितने लोग मारे जाते थे आतंकवाद के हाथों, राजीव गांधी शहीद हो गए। ये कोई देश 76 साल में यहाँ तक ऐसे नहीं पहुंचा है कि त्याग बलिदान कुर्बानी हुई है, आजादी सेन के अंदर भी, आजादी के बाद में भी। इस बात का एहसास नहीं होगा हमारी वर्तमान पीढ़ी को, तो आने वाली पीढ़ियां क्या सोचेगी हमारे बारे में। आज जो नेता लोग, जो पुराने नेता जिन्होंने आजादी करवाई देश को, उनको भूल रहे हैं, ऐसे लोग कभी अपना खुद का इतिहास बना नहीं पाएंगे देश के अंदर आने वाली पीढ़ियों के लिए। बातें कई कहने को है, अंत में कहना चाहूंगा, आज मिला आपको एक और मैं कहना चाहूंगा, अभी वीडियो कॉन्टेस्ट चल रहा हमारा, महंगाई शिविर को लेकर चल रहा था, 1 लाख पहला इनाम प्रतिदिन है, 50,000 का दूसरा इनाम है, 25,000 तीसरा है, और 1,000 के नाम 100 लोगों को है, प्रतिदिन चल रहा है वो। 5 तारीख मैंने बढ़ा दी, 5 सितंबर बढ़ा दिया है, क्योंकि अभी राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक खेल चल रहे हैं। मुझे खुशी है पहले 30 लाख लोगों ने भाग लिया था, पिछले साल 10 लाख महिलाएं थी, इस बार 58,50,000 लोगों ने भाग ले रहे हैं, और साथ में 25 लाख महिलाएं उसके अंदर है, कोई एज बार नहीं है, 80 साल तक के बुजुर्ग भी, 70 साल के बुजुर्ग महिलाएं, 50 साल 25 साल सब लोग खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, कोई खो खो खेल रहे हैं, कोई वॉलीबॉल खेल रहे हैं, कोई अभी तो महेश जोशी जी ने, प्रताप सिंह खजरवास ने, और कौन कौन थे,
लाल चंद्र कटारिया, गोविंद राम मेघवाल, अशोक चांदना, कृष्णा पूनिया, सबने अभी कबड्डी खेली यहाँ पर। तो ये जो हमारी नई नई सोच है, ये लिस्ट हट के है, ये प्रोग्राम में लिस्ट हट के हो रहे हैं और शानदार गांव गांव मैच चल रहे हैं। मेरे ख्याल 2800 जगहों पे मैच चल रहे हैं, मेरे ख्याल से 2800 जगहों पे मैच चल रहे हैं मेरे ख्याल से राजस्थान भर में। तो आप सोच सकते हो ये वीडियो कॉन्टेस्ट भी तो चल रहे हैं, अपना भाग लीजिएगा। अंत में कहना चाहूँगा आपको, अभी जो है 5 लाख किताबें बढ़ रही है आपके, और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा अभी आज 40 लाख मोबाइल फोन बांटे हैं, अगले फेर में 80 लाख टेलीफोन बांटे जाएंगे, 80 लाख टेलीफोन बांटे जाएंगे। यही बात करता हूं, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।